हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द केक रूम। गाइस, मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि जो क्रिस क्रॉस वाला केक है वो मैं कंप्लीट पूरा एक वीडियो लेकर आ रही हूँ, जिसमें आपको डिटेलिंग में बता सकूँ कैसे बनाना है। बहुत ही ट्रेंडिंग केक है ये, और मैंने इसका जो फर्स्ट टाइम बनाया था तब मैंने डिटेलिंग वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं कुछ भी ट्राई करती हूँ उसका डिटेलिंग वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि तब मुझे पता चल जाता है क्या कमी रह गई थी, तो वो सब कुछ मैं जब भी नेक्स्ट ऑर्डर आता है तब रिकवर करती हूँ। तो आज वही हमारे पास वापस ऑर्डर आया है, तो क्रिस क्रॉस केक आज हम बनाने वाले हैं। फ्लेवर में बनने वाला है बटर स्कॉच, ओरियो एंड पान फ्लेवर। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर जो मैंने केक टिन यूज किया है वो है 6x4 inches का केक टिन यूज करके मैंने ये स्पॉन्ज बैक कर लिया। इसमें टोटल 5 लेयर्स बनेगी और एक में थोड़ा सा और स्पॉन्ज बैक करूंगी, तो टोटल 6 लेयर्स चाहिए मुझे इस साइज, और इसके 2-2 लेयर्स हम हर एक में यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते, बाकी आपको सारी डिटेलिंग जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी वैसे आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है। तो स्टार्ट करते पहले इसकी लेयरिंग करना। गाइस, इस केक को बैक करने का वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो केक है वो अराउंड 1.5 केजी का बनेगा, तो 1.5 केजी के अकॉर्डिंग 450 ग्राम मैंने प्रीमिक्स यूज़ किया है, और यहाँ पर जो टिन साइज यूज़ की है बैक करने के लिए वो है 6x4 inches का केक टिन। सो गाइस, यहाँ पर हम पहले ओरियो फ्लेवर की जो फिलिंग है वो रेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ क्रश किया हुआ ओरियो। सो यहाँ पर ओरियो फ्लेवर की जो अंदर की फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है, यहाँ पर लेयरिंग हो चुकी है। अब हम जल्दी से करते हैं इन सारे केक की फ्रॉस्टिंग, तो वन बाय वन सारे केक की फ्रॉस्टिंग करके इनको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। सो गाइस, क्रिस क्रॉस केक के लिए यहाँ पर हर एक केक में ये 2-2 लेयर्स जाने वाली है। तो चैलेंज ये है कि जनरली जितने भी क्रिस क्रॉस केक मैंने देखे हैं वो बनाते हैं बटर क्रीम में बनाना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू व्हिप्ड क्रीम। तो मेरा जो मैक्सिमम वर्किंग चलती है वो व्हिप्ड क्रीम के साथ होती है, इसीलिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग केक है। तो बस पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग, एंड साथ साथ मैं आपको डिटेल्स बताती जाऊँगी कैसे क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों केक है उन तीनों के हम अलग अलग फ्रॉस्टिंग करने वाले हैं, अलग अलग बेस पर हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले कर रहे हैं ओरियो की फ्रॉस्टिंग, तो यहाँ पर स्पॉन्ज में हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर फिलिंग ओरियो क्रीम की। सो गाइस, यहाँ पर हमारे लाइट जा चुकी है एंड केक भी कंप्लीट करना है, वहाँ चल रही है टॉर्च, क्योंकि इस रूम में हमारे इन्वर्टर नहीं है, तो बस यही है कि अब बिना लाइट के थोड़ी देर काम करना पड़ेगा। वैसे तो इतनी जाती नहीं है, बट फ्रिक्वेंटली कभी कभी चली जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इनमें तीन कलर कॉम्बिनेशन है, तो सबसे नीचे जो कलर आएगा वो आएगा डार्क पर्पल, या फिर हम कह सकते हैं लेवेंडर। तो इस पर्पल एंड रेस्पबेरी रेड को मिक्स करके हम वो कलर बनाने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं कलर का एकदम प्रॉपर रेशियो तो नहीं बता सकती, लेकिन आप कलर कॉम्बिनेशन देख के उस अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि ये जो केक है बॉटम वाला केक मैं डायरेक्ट जो बेस प्लेट में रखने वाली उस पर सेट करना था, लेकिन मैंने उसको अलग प्लेट पे किया, तो बस यहाँ से इसमें अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर केक ट्रांसफर हो चुका है, बस अब हम इस पर ही फाइनल डेकोरेशन करने वाले हैं इसका। केक की क्रम कोटिंग डन हो चुकी है, अब हम ये जो डार्क पर्पल है, डार्क लेवेंडर कह सकते हैं, उसको हम सबसे बॉटम वाली लेयर पे करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जो बॉटम वाला केक है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है,
बस अब हम इसको फ्रिज पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो रिमेनिंग केक है उनकी भी अब हम करने वाले हैं फ्रॉस्टिंग। जो मिडल वाला केक है उसके लिए हमने फ्लेवर चेंज कर दिया है, क्योंकि हम पान फ्लेवर नहीं करने वाले, उसकी जगह हम लोग करने वाले हैं ऑरेंज फ्लेवर कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग। ये जो फ्लेवर है वो मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो ये है हमारे पास ऑरेंज क्रश। जो मिडल वाला केक है उस पर लाइट शेड होने वाला है, तो उसके लिए बस ये जो डार्क शेड हमने किया था उसको थोड़ा सा यूज करके व्हिप क्रीम को मिक्स कर दिया, तो ये लाइट शेड बन गई। आप समझ सकते हैं लाइट शेड कैसे बनाया है। अब कर रहे हैं जो लास्ट हमारा थर्ड केक है उसके ऊपर का जो कलर शेड है वो डार्क से थोड़ा सा लाइट और लाइट कलर से थोड़ा सा डार्क होगा, मतलब मिडल वाला शेड होगा। सो गाइज ये हमारा जो लास्ट केक है उसकी भी फ्रॉस्टिंग डन हो चुकी है, एंड रिमेनिंग जो दोनों शेड है उससे भी केक हमने बना दिए। अब बस इनको 3 से 4 घंटे हम अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि जितना अच्छे से ये कूल होंगे तभी ये अच्छे से सेट हो पाएंगे। सो गाइज यहाँ पर हमारे जो तीनों केक है वो अच्छे से फ्रिज में ठंडे हो गए, 3 से 4 घंटे हमने उसको फ्रिज में अच्छे से सेट होने दिया है। और अब हम जो हमारे ये दोनों केक है वो इनके ऊपर क्रिस्प क्रॉस फॉर्म में सेट करने वाले हैं। थोड़ा सा टिपिकल है बट कहीं ना कहीं डर भी लगता है अंदर से, बस सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए। तो करना ऐसे है, हमें स्पैचुला को पहले थोड़ा सा गीला करना है पानी से, एंड देन यहाँ पर इसकी साइड्स को फ्री करना है। साइड से ऐसे फ्री होने के बाद जो हमारा केक है वो स्पैचुला पर अच्छे से आ जाएगा, एंड यहाँ पर तो आप देख सकते हैं केक हमारा स्पैचुला पर है। सो हमारा जो मिडल केक है वो सेट हो चुका है, अब इसके टॉप वाला केक की। गाइज फाइनली हमने तीनों केक को अच्छे से प्लेस कर दिया है। सो गाइज केक को तो हमने स्टैक कर दिया है यहाँ पर, अब हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं डोवल। ये केक ग्रूम टू बी के लिए है, तो यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ ग्रूम टू बी। Thank you.
यहाँ पर हमारा क्रिस क्रॉस केक बनके रेडी हो गया है। आप लोगों की बहुत लोगों की डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी, मैसेजेस थे कि व्हिप क्रीम में बनाया है, बटर क्रीम में बनाया है, स्टैक कैसे किया है, मैक्रोन्स कैसे बनाए हैं। तो ये सब कुछ मैंने आज के इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड मिलते गए इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। गैस इसमें एक वीडियो और मिसिंग है, वो है फोंडेट मैक्रून का। तो मैंने फोंडेट मैक्रून्स बनाने का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन कल के व्लॉग में आपने देखा कि इसके साथ मेरे पास और भी ऑर्डर थे, तो उस वजह से उन सब की रिकॉर्डिंग के बीच वो वाली रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई। बट डोंट वरी, मैं अपकमिंग वीडियो में जरूर कवर करूंगी। आई होप गाइज यू कैन अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।